guess I just wanna go, go, go to the deep end. आज रजनी अन्ना भार आ गए। हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आओ, आज आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों मेरे सर पे इतना प्रेशर है अनबॉक्सिंग का, समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे मैनेज करूंगा। इस चक्कर में आज सुबह मुझे प्रेशर ही नहीं आया। एज ऑलवेज चीप जोक। खैर दोस्तों, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, कूल टिप्स दिया है स्मार्टफोन्स के लिए, आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, वीडियो देखना आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों साथ में पोल की बात करें, एमोलेड डिस्प्ले या 5G प्रोसेसर, एकदम सिंपल रखा था हमने। 70% से ज्यादा लोगों ने कहा एमोलेड डिस्प्ले। सब समझ रहा हूं मैं। खैर दोस्तों, टेक्नोवेस मर्चेंडाइज थोड़े बहुत बचे हुए, आपने इतना सपोर्ट किया है, बस आज भी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, परचेस कर लीजिए, बचे कुछ निकल लेंगे। हम न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहे, बड़ा आपको मजा आने वाला है। लाइक करिए दोस्तों, पिछले टेक्नोस पर 30,000 पार हो गए, आज भी हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं खड़े खड़े, क्योंकि आज की शाम शाओमी के आज Xiaomi ने दोस्तों कमाल कर दिया। सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज अंडर 20,000, और क्या चाहिए। Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 Pro Pro Max सेम है, बस Note 10 Pro में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, Note 10 Pro Max में 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज, 5000 mAh बैटरी है, 33 वॉट चार्जिंग है, आपको स्नैपड्रैगन 732G वगैरह ग्लास पैक, ठीक है। और Note 10 जो है दोस्तों वो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 678, इसमें भी सुपर एमोलेड है लेकिन 60 हर्ट्ज से, इसका बैक साइड पॉलीकार्बोनेट है, यहां पर 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग यहां पर भी है। बाकी Note 10 जो है दोस्तों वो 12,000 से स्टार्ट होता है 464, और 14,000 का है 6128। Note 10 Pro 16,000 से स्टार्ट होता है 664, इसका 17,000 का है 6128, और इसका 19,000 वाला भी 8128। Note 10 Pro Max 19,000 से स्टार्ट होता है 664, 20,000 का है 6128, और 22,000 का है 8128। कमाल प्राइसिंग है दोस्तों, और 16, 17, 18 ये तीन दिन इनका सेल रहेगा लाइन से Amazon पर, वहां पर जाके आप चेकआउट करना। अनबॉक्सिंग में थोड़ा डिले है दोस्तों, लेकिन आपको मिल जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बार Xiaomi ने काफी अच्छी प्राइस रखी है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में भी बताना और वोट डाल के वहां पर भी बताना। साथ में लगे हाथों Redmi ने अपने न्यू स्मार्ट टीवीज को भी टीज कर दिया है। जी हाँ, Redmi के मुझे लगता है बड़े बड़े साइज के टीवीज इंडिया में आएंगे, ऐसा उन्होंने बता दिया है, और अच्छी खासी एग्रेसिव प्राइस पर आएंगे। और अब दोस्तों बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मुझे पता है इनकी टीवीज जो है वो कमाल की होगी और बहुत ही कमाल की प्राइस पर आएगी। मुझे लगता है शायद थोड़े महीनों के अंदर ही हमें Redmi के न्यू स्मार्ट टीवीज इंडिया में मिलेंगे। क्या आप एक्साइटेड है, कमेंट में जरूर से बताना। इन्हीं गर्मा गर्मी के माहौल में जब Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुई, तो बहुत सारे लोगों ने Realme को खूब ट्रोल किया, अरे मतलब Realme क्या करेगा, ऐसा हो गया वैसा होगा, Xiaomi ने तो किल कर दिया। तो उसी के बीच में माधव शेठ जी ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि मैं देख रहा था अभी इतने सारे फोन्स लॉन्च हुए, अच्छी बात है, अच्छे फोन्स हैं, पर कंपटीशन जो है वो हमारे सामने नहीं होगा। उन्होंने Realme 8 सीरीज का रेफरेंस दिया। कुछ अच्छा होने वाला है Realme 8 सीरीज में, मुझे ऐसे लग रहा है शायद 5G भी आ सकता है, क्योंकि Note 10 सीरीज में 5G नहीं है। मे बी वो ये बोल रहे सुपर एमोलेड हाईर रिफ्रेश हो सकती है। मेरा डायलॉग याद रखने का, लड़ो लड़ते रहो, फायदा हमारा होगा। अब कुछ धमाके की बात करते हैं। एप्पल के जो फोन हैं आजकल बड़े धमाके कर रहे हैं, मैं फिजिकल एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक बंदा है, 2019 में आईफोन 10 यूज कर रहा था, जेब में रखा, एक्सप्लोड हो गया, फोन तो गया, पैंट भी जल गई, पैर भी जल गया, थोड़ा साइड में नहीं आया, बहुत कुछ हो जाता था। खैर, तो इतने टाइम से एप्पल के पीछे लगा था, कुछ करो, एप्पल ने जवाब नहीं दिया, अब फाइनली उसने कोर्ट में सू कर दिया। जी हाँ, दूसरी तरफ एक और बंदा है, हाथ में एप्पल वॉच पहना था, जल गई, हाथ भी जल गया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई, उसने भी कोर्ट में केस कर दिया। खैर ये इत्तेफाक है दोस्तों, सबके साथ नहीं होता, कभी कभार ये हो जाता, लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, खास करके पहले वाले के साथ। OnePlus, पहली बार ऐसा लग रहा है कि OnePlus के फोन्स में हमें MediaTek चिपसेट मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड सेंट्रल उन्होंने ऐसा बताया कि OnePlus Nord 2 जो आ रहा है, जो हमें मिड ऑफ 2021 की बात मिलेगा, इसमें Dimensity 1200 वाली चिपसेट मिलेगी। जी हाँ, मे भी क्या पता अराउंड 25-26,000 की रेंज में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, OnePlus 9 सीरीज जो आ रही है, 9 और 9 Pro, इनके साथ जो तीसरा फोन है वो बहुत कंफ्यूजन था कि 9E होगा कि 9R होगा,
अब दोस्तों ऑनलाइन 9E लिस्ट हुआ है इनके साथ में। जी हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि 9R नहीं बल्कि 9E आएगा। ये बड़ी लड़ाई हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है। खैर देखते दोस्तों वन प्लस के कितने फोन्स आते हैं और कितना खास और क्या बड़ा अनाउंसमेंट होता है। 8 मार्च को, हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा। सैमसंग वैसे दोस्तों धड़ाधड़ फोन लॉन्च कर रहा है। मुझे लगता है ऐसा बोरिया भर के उन्होंने ऑफिस में रखा रहेगा और धीरे धीरे ऐसा फेंकता ले ले ले। सीरियसली सैमसंग गैलेक्सी 832 अभी लॉन्च हुआ दोस्तों, 6128 22,000 का है। ठीक है, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A82 5G, याद है दोस्तों A80 फ्लिप रोटेबल आया था, हाँ उसका ये सक्सेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ में गीकबेंच पर लिस्ट हुआ है। तो ये बड़ा जंप किया है, A80 में स्नैपड्रैगन 730G था, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि चिपसेट इंप्रूव्ड हुई है। लेकिन ये बहुत जल्दी आ सकता है ऐसा बताया जा रहा है। वैसे एफ सीरीज में भी एक और फोन आ रहा है, F02S, F41 आया, F62 आया, अब ये वाला आ रहा है, ऑनलाइन लिस्ट हो गया है, जो बड़े अफोर्डेबल रेंज का होगा ऐसा यहां पर लग रहा है। तो सैमसंग के बड़े प्लान से दोस्तों, पहले A32 की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं वो कितना खास है, फिर आगे की बात करते हैं। आज करना पड़ा क्योंकि वाकई में रियलमी GT जो चाइना में लॉन्च हुआ ना 4 मार्च को, मतलब आज वो स्टेज पर गाड़ी लेके आ गए। खैर दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पर ये फोन लॉन्च हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है दोस्तों। आपको 6.43 इंच की फुल HD+ की एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 888, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, सोनी सेंसर है, 16 की सेल्फी, 4500 mAh की बैटरी, 65 वोल्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm जैक भी है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, सब कुछ है इसमें दोस्तों। और जो प्राइस है 8120 जो बेस है, कन्वर्ट कर लूं तो 31,000, बड़ी इंटरेस्टिंग प्राइस है दोस्तों। और एक 12256 भी आपको उसमें मिलता है। और ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में ना बड़ी जल्दी लॉन्च होगा दोस्तों, अगर 35,000 की रेंज के अंदर अगर आ जाता दोस्तों। ओए 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 आइको, बड़े दिन बाद आया आइको नियो 5 दोस्तों। ये फोन 16 मार्च को चाइना में लॉन्च होगा, फिलहाल के लिए तो हमें यही पता था, लेकिन अभी वाई लैब्स ने पूरे स्पेक्स लीक कर दिया दोस्तों। 6.61 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जी हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, 4400 mAh की बैटरी, 65 वोल्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और इसमें है दोस्तों स्नैपड्रैगन 870 जो प्राइस होगी अराउंड 21-22,000 के आसपास होगी। बढ़िया है दोस्तों, अगर ये ऐसे ही प्राइस पर इंडिया में आ जाए तो 870 का वॉर हो जाएगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, स्नैपड्रैगन 870 के बहुत फोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के। इसी महीने दोस्तों हमें पोको का भी एक नया फोन देखने को मिलेगा, पोको X3 प्रो, और ये लोग भी कोई कम नहीं है। बताया जा रहा है इसकी पूरी स्पेक्स आ गई दोस्तों, स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट होगी, यस, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर्स, 33 वॉट चार्जिंग है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, 25,000 की रेंज के अंदर आएगा ये फोन। अगर ऐसा होता है वेरी नाइस दोस्तों, वेरी नाइस। वैसे ठीक है, मैं नहीं बोलता है, देखेगा जब आएगा बताएगा। वैसे वीवो ने भी कल अपने वीवो S9 सीरीज को लॉन्च किया है चाइना में, वीवो S9 और S9e, वैसे दोनों 5G है दोस्तों। जो S9 है दोस्तों डायमंड सिटी 1100 के साथ में है, आपको 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 44 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, 4400 mAh की बैटरी है, 33 वॉट चार्जिंग है, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है UFS 3.1, जो प्राइस है अराउंड 32-33,000 से स्टार्ट होती है। ये वीवो है, प्रीमियम प्राइस टैग होती है। और जो S9e है इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें डायमंड सिटी 820 है, और ये दोनों फोन हमें इंडिया में इसी महीने देखने को मिलने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। आने दीजिए दोस्तों, उससे पहले उनके X60 सीरीज आएगी, फिर तो उसके बाद इसको देखते हैं। स्किप किया ना तो थोड़ा रोकना पड़ेगा। पबजी मोबाइल इंडिया दोस्तों, एक खबर यहां पर बाहर निकल कर आई है, एंड आई एम सीरियस ऑफिशियली दोस्तों, इस गेम के जो डेवलपर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने ऐसा बताया, पबजी न्यू स्टेट, ये जो गेम जो दूसरा वर्जन आया है, फिलहाल के लिए इसका रजिस्ट्रेशन हमने इंडिया में इसलिए ओपन नहीं रखा क्योंकि हमें सबसे पहले पबजी मोबाइल इंडिया में लेके आना है। जी हाँ, उसके बाद हम इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ओपन करेंगे ऑफिशियली, और वो पूरा जोर लगा रहे दोस्तों पबजी मोबाइल को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। मतलब जो इंडियन वर्जन पर वो लोग जो काम कर रहे थे, जो इतना मेहनत कर रहे थे, अब दोबारा उन्होंने कहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट के नोट के लिए यहां पर हम वेट कर रहे हैं। अब स्किप कर दिया तो कर दिया, लाइक करिए, अच्छा लगा फिर जाइएगा। क्या आपको बताएंगे दोस्तों, माइकल लोटिटो एक फ्रेंच एंटरटेनर है,
ये थोड़ा नॉन टेक है सुनना लेकिन मजा आएगा। उसको ना सब कुछ खाने की आदत थी, जो चीज दो खाने के अलावा सब खा जाता था। एक बार उसने पूरा प्लेन खा गया और उसको 2 साल लगा। पहली बार मेरे को यकीन नहीं हो, बट आई गूगल सर्च्ड देन आई बिलीव्ड। आज की रेंज में खत्म करता हूं। आज की रेंज में पसंद है कि पसंद आई, लाइक करिए। आपसे दूर जाने का वैसे दिल नहीं करता लेकिन क्या करें, पूरा दिन तो आपको नहीं पका सकता ना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।